Namaste all of you. Today we will discuss about role of microorganisms in our life. Microorganisms helps in decomposition process. Decomposition process का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज मर गया तो उसको वह क्या करेगा, एनवायरमेंट को क्लीन करेगा, डिकम्पोज करेगा उस डेड बॉडी को. इसलिए यहां पे लिखा गया है कि दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस. दूसरा है हमारा कि दे मेंटेन द बायो जियो केमिकल साइकिल. ये कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल में भी क्या करते हैं, माइक्रोबियम्स भाग लेते हैं. जैसे कि पिछले क्लास में हमने क्लास 7 में आपको बताया था कि नाइट्रोजन साइकिल में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया क्या करता है, हेल्प करता है. तीसरा है आपका दे स्पॉइल द फूड. मैंने पहले ही कहा था कि माइक्रोबियम्स हमारे दोस्त भी है, माइक्रोबियम्स हमारे दुश्मन भी है. ये क्या करते हैं, भोजन को खराब कर देते हैं, बासी कर देते हैं. चौथा है हमारा दे कॉज डिजीज. ये क्या करते हैं, बीमारियां भी फैलाते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी. हमने आपको पहले ही कहा था कि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं भी पाए जा सकते हैं. इवन हमारे शरीर के ऊपर भी या हजारों लाखों की संख्या में पाए जाते हैं. जैसे देखिए, हमारे हथेली में, इन आवर हैंड्स, या कितने से कितने तक होता है, तो यह हैंड्स में या 100 से लेकर के 1000 बैक्टीरिया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. मैं आपको बता रहा हूं प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है. सपोज कीजिए 1 सेंटीमीटर आप इधर से लिए, 1 सेंटीमीटर आप ये ड्रॉ किए, 1 सेंटीमीटर आप ये ड्रॉ किए और 1 सेंटीमीटर आप ये ड्रॉ किए. ये आपका क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया. और स्क्वायर का एरिया हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो साइड गुने साइड. तो यहां पे हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर. तो 1 1 इंटू 1 और cm इंटू cm क्या हो जाएगा, cm स्क्वायर. यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितना बैक्टीरिया पाया जाता है, तो हमारे हथेली में 100 से 1000 तक पाया जा सकता है, इतना छोटा सा जगह में. इज इट क्लियर? नाउ दूसरा कह रहा है कि इन द स्काल्प. स्काल्प का मतलब होता है खोपड़ी. स्काल्प, स्कल्प मीन्स स्कल भी आप कह सकते हैं. इस स्कल में भी जो है वो कितना पाया जाता है, तो 1 मिलियन. 1 मिलियन का मतलब 10 लाख. वो कितना पाया जाता है, 1 मिलियन बैक्टीरिया. यहां पे भी लिखा हुआ है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह में वो कितना पाया जाता है, कितना पाया जाता है, तो 1 मिलियन पाया जाता है इन स्काल्प, स्कल में. तीसरा है हमारा द फोरहेड. द फोरहेड, फोरहेड क्या होता है, जैसे यह स्कल हुआ या आईज है, तो यहां से यहां तक का जो है डिस्टेंस है, इसको हम लोग फोरहेड कहते हैं. इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, फोरहेड. इस फोरहेड वाले एरिया में यह कितना पाया जाता है, 10,000 से लेकर के
1 लाख तक पाया जाता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टेन थाउजेंड टू 1 लाख पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे नोज से कभी कभी क्या होता है, कफ एंड कोल्ड की वजह से जो पानी से, नाक से जो पानी आता है या फिर जो भी सब्सटेंस बाहर निकलता है उसे म्यूकस कहते हैं, द नोज। इस म्यूकस में कितना प्रेजेंट होता है, तो 10 मिलियन, इट मीन्स 1 करोड़ के आसपास बैक्टीरिया हमारे पास रहता है। 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़, कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छोटे से एरिया में यह पाया जाता है। फिफ्थ इज सैलिवा। जब हम कोई चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है, या कोई चीज स्वादिष्ट चीज भी देख लेते हैं तो मुंह में पानी आता है, अगर हमारा क्या है, सलाइवा कहलाता है। सलाइवा का मतलब होता है लार। तो सलाइवा में भी यहाँ पे 100 मिलियन होगा। सलाइवा में 100 मिलियन बैक्टीरिया पर ग्राम। अब यहाँ पे देखिए ग्राम का डिस्कशन है, जो सलाइवा है वो क्या है, वो पानी जैसा है, लिक्विड सब्सटेंस है, इसलिए उसको वह ग्राम में कह रहा है कि 1 ग्राम सलाइवा में 100 मिलियन बैक्टीरिया क्या होगा, पाया जाएगा। इसका मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब होता है यानी कि 1 ग्राम में इतना मिलियन बैक्टीरिया वह पाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज फिशेज। फिशेज का मतलब होता है मल त्याग, सॉलिड वेस्ट मटेरियल, सॉलिड एक्सक्रीशन। पिछली बार मैंने आपको बताया था लिक्विड एक्सक्रीशन क्या होता है, तो जो यूरिन पास करते हैं उसे हम लिक्विड एक्सक्रीशन कहते हैं। उसी प्रकार से सॉलिड एक्सक्रीशन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो इजेशन होता है, इजेशन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड एक्सक्रीशन। इस सॉलिड एक्सक्रीशन में बैक्टीरिया प्रति ग्राम 10 मिलियन बैक्टीरिया होता है। 10 मिलियन बैक्टीरिया पर ग्राम्स, यानी कि 1 ग्राम में 10 मिलियन बैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा, फिकस मैटर में, यानी कि सॉलिड एक्सक्रीशन। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस सी इन आर्म पिट। आर्म पिट में 1 मिलियन से लेकर के 10 मिलियन बैक्टीरिया पाया जाएगा। पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये सब बातें याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछे जाएंगे। इसके बाद हो गया आपका सब। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि फारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फारेनहाइट में हम कैसे चेंज करें। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम फारेनहाइट टू सेल्सियस, फ्रॉम सेल्सियस टू फारेनहाइट।
अगर हमसे फारेनहाइट पूछे तो उसमें सेल्सियस दिया रहेगा, सेल्सियस को सबसे पहले हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसमें हम 32 ऐड कर देंगे, तो वह हमारा सेल्सियस से फारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, फारेनहाइट माइनस 32, अगर हमसे सेल्सियस पूछा जाए तो ये 32 कहाँ चला जाएगा, यहाँ। जो 5 हमारा यहाँ पे डिवाइड में है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो 9 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। इस तरह से एक नया फॉर्मूला हमको मिलेगा कि सेल्सियस इक्वल्स फारेनहाइट, फारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। इस फॉर्मूला नंबर 2। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कभी कभी हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में चेंज कीजिए या 98 फारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कीजिए, तो इस तरह से हमें चेंज करना आना चाहिए। थैंक यू।